कश्मीर को लेकर आ रहे बयानों पर एनसीपी नेता माजिद मेमन ने आरोप लगाया कि इन नेताओं से ज्यादा भड़काऊ और उकसाने वाले बयान बीजेपी के नेता देते हैं। लगातार कश्मीरी नेताओं की तरफ से बयान आ रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर 370 हटाया गया तो हम रिश्ता तोड़ लेंगे भारत से। महबूबा मुफ्ती का बयान अभी साफ साफ थोड़ी देर पहले आया है कि अगर डेडलाइन 370 और 35A की 2020 रखी गई है तो उसके बाद हम भी अपनी डेडलाइन देंगे और भारत के साथ रिश्ता खत्म कर लेंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, चाहे वो अब्दुल्ला हों या मुफ्ती हों या और कोई लोकल लीडर हों कश्मीर के, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और अपने कश्मीरी लोगों की जानिब से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जाहिर है उनकी तरफ से बोलेंगे क्योंकि उनका सब कुछ वही है। अब जहाँ तक कि ये संवैधानिक के प्रोविजंस हैं, 370 कहें या 35A कहें, ये कश्मीर के मामलों से जुड़ी एक ऐसी प्रावधान है कि जिससे पूरे कश्मीर का चेहरा बदल सकता है। कश्मीर में जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने अब दो दिन पहले परसों भाषण में कहा था कि हमारा अपना प्रधानमंत्री, हमारा अपना झंडा, तो ये तो एक सेसेशन की बात होती है कि मतलब भारत से अलग होने वाली बात होती है। हमें बदकिस्मती से पहली बात तो ये कि जम्मू एंड कश्मीर में पिछले काफ़ी समय से कोई सरकार नहीं है, लोकल सरकार नहीं, जिसकी वजह से बहुत सा विवाद खड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की कब्ज़े में जम्मू एंड कश्मीर की सरकार चल रही, जब से मुफ्ती सरकार गिरी है उसके बाद में, हालांकि गवर्नर के पास विकल्प के तौर पर कई नेता गए थे, सब ने मिलकर कहा हमारे पास आंकड़े, मगर आदेश शायद केंद्र से था कि गवर्नर साहब ने कोई अनुमति नहीं दी, सरकार नहीं बनाई। और अब चूंकि चुनाव का समय है इसलिए इन तमाम इशुओं को छेड़ा जा रहा है, हालांकि इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बड़े नाजुक मसले हैं। इन मसलों पर इस तरह भाषणों के ज़रिए कोई हल नहीं निकलेगा, या उसे बढ़ाया जाए या उसे घटाया जाए या उसे हटाया जाए, ये तमाम चीज़ें हैं। ये इसमें बहुत इन डेप्थ स्टडी करके देश के हित में क्या है और कश्मीर के हित में क्या है।